ये भाई साहब को देखते ही जो है ना बकरियां सब पहचान गई और सब आने लगी। अभी खोल रहे हैं इसको। अच्छा ये सब अभी जा रहे हैं चरने के लिए। ये देखो मेरे भाई, ये देखो एकदम मार कर रही है भागने के लिए। ये देखो वीजा कैसे मिला था आपको, ऑफिस से? वीजा एक दोस्त से मिला था। अच्छा एक दोस्त से। हाँ, उसे तो उसने ये काम बताया था कि ये काम आपको करना। अरे माशाल्लाह काफी तादाद में मुर्गी है जनाब। कितनी मुर्गी होगी भाई? 400 मुर्गी है। सब देसी एकदम कड़कनाथ वाली है। जबरदस्त यार, कितना साल हो गया भाई? चोट न लगे दिवंदर, देख करे भाई। तो हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। तो मेरे भैया अभी मैं सऊदी अरेबिया के पहाड़ी एरिया में हूँ, आप लोग एरिया से ही अंदाजा लगा सकते हैं। और मेरे साथ में है ये हमारे दिवेंदर भाई, ये भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के ही आजमगढ़ मेहनगर से, और यहाँ पर ये हाउस ड्राइवर है। तो फिलहाल हम यहाँ पर चल रहे हैं। एक भाई हैं बिहार से, और बिहार पूर्णिया, और पप्पू यादव है ना उसकी एरिया से हैं। तो भाई यहाँ पर मुर्गी पालन और कबूतर पालन वगैरह ये सब चीज़ें करते हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं, कुछ बातें करते हैं और देखते हैं, भाई से पूछते हैं कि कितना दिन उनको यहाँ पर हो गया है। और ये देखिए एरिया देख सकते हैं, कोसों कोसों तक जो है मेरे भाई कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। जो भाई काम नहीं सीखे हैं कोई, हाँ इसी काम में आए, इसी काम में बकरी मुर्गी हाँ। खेती करना तो यही सब, अगर काम सीख करके आएंगे तो मेरे भाई सिटी के अंदर रहेंगे, काम सीख करके नहीं आएंगे तो फिर ऐसे ही पहाड़ियों में आपको रहना पड़ेगा। और देख सकते हैं ये एरिया है, और यहाँ पर भाई जो है मुर्गी पालन वगैरह ये सब किए हुए हैं, देख रहे ना यहाँ पर। और मैं यहाँ से भी चढ़ करके आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर अंदर भी मैं ले करके चलता हूँ। ये देखिए ये पानी की टाकी है मेरे दोस्त, ये पानी की टाकी भी हम हैं, और इसके अंदर वही मुर्गी कबूतर ये सब का पालन किया जाता है। देखिए भाई वहाँ पर, अरे भाई कहाँ से गए हो? अच्छा यहीं से कूद कर। अच्छा अच्छा चाबी नहीं है क्या? अरे सीसी उसी बहुत है यार, चोट न लगे दिवंदर, देख करे भाई। अरे भाई पकड़। तो देखो मेरे भैया, जैसे इंडिया में दीवार कूद कूद करके इधर उधर जाते थे ना, वही हाल यहाँ पर भी हमारी हो चुकी है। अब जो है ये हमारे भाई हैं, देख सकते हैं यहाँ पर देखभाल कर रहे हैं। ये क्या चीज़ का पेड़ है भाई? अच्छा अच्छा और ये पानी की टाकी है मेरे भाई, इसके अंदर जो है वाइट से पानी आता है, या फिर शहर से नज़दीक में अगर बोरिंग वोरिंग अगर इधर है तो बोरिंग से इसके अंदर पानी स्टोर किया जाता है। फिर देखिए मोटर लगा हुआ है, मोटर से फिर पानी इधर उधर सप्लाई के लिए यानी प्रेशर के लिए दिया जाता है। और ये भाई साहब देखिए पानी भर के ले जा रहे हैं मुर्गियों को डालने के लिए। अरे माशाल्लाह काफ़ी तादाद में मुर्गी है जनाब। कितनी मुर्गी होगी भाई? 400 मुर्गी है। सब देसी एकदम कड़कनाथ वाली है। जबरदस्त यार, कितना साल हो गया भाई? हाँ अच्छा अच्छा एक साल। अभी नए हो, अकेले यहाँ पे हो? अच्छा यार डर नहीं लगता अकेले मेरे भाई? बस ये बात एकदम परफेक्ट बोले कि कुरान तिलावत होती है। तो देखिए इसके अंदर भाई जो है डालना डाल रहे हैं, तो जबरदस्त है। वैसे कुछ बातें करें पब्लिक को, जो है जरा पता चले कि कैसे यहाँ पर काम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो मैंने भाई सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद रफीक आलम है। मोहम्मद रफीक आलम, बिहार पूर्णिया से है ना? बिहार पूर्णिया से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह कितना साल हो गया यहाँ पर? बस एक साल हो गया है। अच्छा एक साल हो गया है, चलो आगे चलते रहे बातें करते रहे। तो यहाँ पर मतलब वीजा कैसे मिला था आपको, ऑफिस से? वीजा एक दोस्त से मिला था। अच्छा एक दोस्त से। हाँ उसे। तो उसने ये काम बताया था कि ये काम आपको करना है? हाँ वो बताया था काम यही है, हम करते हैं। हाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा नमाज भी हो जाता, तिलावत भी होता, काम भी हो जाता अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए सबसे बड़ी बात ये है कि आपके साथ मतलब कोई धोखा नहीं हुआ? नहीं कोई धोखा नहीं, क्योंकि कितने लोगों के साथ क्या होता है ना, बोलते हैं कि आपको कुछ काम और, इधर आ जाइए, कुछ काम और करना है, पता चला यहाँ पर आने के बाद बकरी चरा रहे हैं, मुर्गी चरा रहे हैं, खेती कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जो का बोला था वही हुआ, वही हुआ, कोई अच्छा ज्यादा परेशानी। ड्यूटी कितने घंटा इसमें होती है बकरी चराने में? बकरी का वो सुबह, बकरी भी चराते हैं? बकरी है, घास वो डालना पड़ता है। अच्छा बकरी को इसी के अंदर घास डालने पड़े, बाहर नहीं लेके जाते? नहीं लेगा, अभी खोल देते हैं गंडा, घूम घाम करके फिर आ जाएगा। अच्छा ऑटोमेटिक घूम के आ जाती है।
आजकल एक फिल्म आई है द गोट लाइफ, देखेंगे नहीं? नहीं नहीं, हम फिल्म नहीं देखते अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो एक साल हो गया, तो कफिल कैसा माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तनख्वाह का टाइम से मिल जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से भी मिल जाता है, कभी पहले भी दे देते हैं। अरे वाह, वो लोग जब मिल जाता है 28 को तो 30 को भी पहुंच जाए, हो सकता है आए तो लेके आ जाए। ये तो बहुत अच्छी बात। कफिल करता क्या माशाल्लाह आपका? वो लोग पुलिस पुलिस है। अच्छा पुलिस में है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरे भाई जो है, लोग बहुत बदनाम करते हैं कि सऊदी में जो है सऊदी तनख्वाह नहीं देते हैं, टाइम से फंसा देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग हैं ना, सब नहीं है, कुछ लोग हैं। सही बात है। वैसे आपका रूम कहाँ पे? यहाँ पे है मेरा रूम, यही है। अच्छा ये वाला, जरा रूम भी दिखाइए ताकि भाई लोग देखे कि जो है कि यहाँ पर देखिए रूम कैसा होता है। मेरे भाई यहाँ पर देख सकते हैं, ये पतरे वाला रूम है, लेकिन इसके अंदर जो ये पतरा मत देखिए मेरे भाई, इसके अंदर का व्यू देखिए, ये देखिए जबरदस्त माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा तो ये देखिए भाई साहब का ये पूरा रूम है, और ये देखिए पंखा भी है यहाँ पर, और फ्रिज देख लीजिए मेरे भाई कि इसके अंदर तीन आदमी आ जाए। ये देखिए फ्रिज देख रहे हैं, फ्रिज जो है माशाल्लाह तबारकअल्लाह, देखिए कितनी बड़ी फ्रिज है। और मटेरियल देखिए पूरा खाने वाला, पूरा A to Z देखिए, पूरा सब कुछ एकदम भरा हुआ है। अरे वाह, सुरती उरती सब खाते हैं। और जो है रूम के अंदर ही देखिए, यहाँ पर ये इनका बेड है, यहाँ पर सोते हैं। और ये चाय के लिए ये सब पूरा कप प्याली गिलास गावा, और ये देख सकते हैं यहाँ पर किचन है, सिलेंडर है खाना पकाने के लिए। तो काफ़ी ज़बरदस्त है, बाहर से पतरा है लेकिन अंदर से मेरे भाई ये देख सकते हैं पलाई है, तो गर्मी जो है उतनी नहीं, गर्मी उतनी नहीं होती है ना। आपका कफिल माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये पीने वाला पानी तो पूरा फिल्टर आता होगा, फिल्टर आता है, मिक्सी वगैरह सब कुछ देखे यहाँ पर भाई के रखे हुए हैं। तो चलिए बहुत ही अच्छी, चाय पी लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। गावा पी लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने जो है पूछ लिया, समझ लीजिए हमने पी लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई ये देखभाल जो है ऐसे ही करते हैं। और बकरियाँ देखिए वहाँ पर है, चलिए बकरियाँ भी दिखाते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है भेड़ है ना शायद। अच्छा उधर से रास्ता है, जरा आएंगे तो ऐसे ही मेरे भाई। देखिए यहाँ पर जो है ये भाई साहब 400 मुर्गियों की देखभाल करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मेन चीज़ टाइम से तनख्वाह मिल जाए और कफिल जो अच्छा रहे, है कि नहीं बड़े भाई? हाँ ये चीज़। अच्छा ये क्या चीज़ का रूम है? ये कबूतर है। अच्छा इसके अंदर कबूतर है? ये कबूतर है, उधर खरगोश है। अच्छा ये कबूतर भी पाल के रखा हुआ है? जब कौन सी नस्ल की है कबूतर? एक दो तो है अमेरिकन, बाकी अच्छा अच्छा अमेरिकन नस्ल है, एक दो है। अच्छा एक दो अमेरिकन नस्ल है। ये देखिए मेरे भाई, ये देखिए पूरा कबूतर का भंडार ही है। अच्छा ये जो पोंछ ये जिसकी चौड़ी है ये अमेरिकन है। हाँ देखने में ही लग रही है अलग ब्रांड। तो देख सकते हैं यहाँ पर कबूतर, कबूतर ऐसे कैसे जोड़ी बिकती है? ये 25 रियाल ऐसी बिकती है। 25 रियाल एक? अच्छा 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 25 रियाल की जोड़ी बिकती है। और ये कबूतर है। अच्छा ये मेरे भाई एक बात बताइए, ये जैसे ये पूरा एरिया है ये किंकड़ पत्थर ये सब, तो इसके अंदर यार कीड़ा बिच्छी ये सब तो निकलता ही होगा ना? अभी तक तो नहीं देखे हैं। अच्छा अभी तक नहीं देखे हैं? हाँ लोग कहते हैं यहाँ की बिच्छी बड़ी खतरनाक होती है मेरे भाई। होती है मगर देखे नहीं है अभी तक, देखे नहीं है। जब मुलाकात होगी तो एक हाथ पकड़ के रखे रहना हमारे लिए। अच्छा। इधर सांडा अंडा है कि नहीं? सांडा, सांडा क्या? अरे वो जो सांडा जो होता है ना गोह की शक्ल में होता है सांडा। सऊदी जो है जंगल में जाकर के उसको पकड़ते हैं ना, पकड़ते हैं जो खाते हैं। हाँ जो खाते हैं ताकि उससे जो मजबूत होते हैं हड्डी। हाँ, हड्डी खाओगे नहीं खाएंगे। अच्छा अच्छा। और ये देखिए मेरे भाई यहाँ पर ये देखिए बकरी पालन देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से बकरी पालन होता है। वो भी आप ही का है? हाँ, मेरा है। अच्छा अच्छा पूरा ऐसे ग्राउंड है। अच्छा ये पूरा एरिया जो आपके कफिल का है? अच्छा अच्छा किराए पे लिया है। ये देखो मेरे भाई, ये देखो देख रहे हैं बकरियाँ। देखिए भाई साहब को देखते ही जो है ना बकरियाँ सब पहचान गई और सब आने लगी। अभी खोल रहे हैं इसको। अच्छा ये सब अभी जा रहे हैं चरने के लिए। ये देखो मेरे भाई, ये देखो एकदम मार कर रही हैं भागने के लिए। ये देखो अब ये भाई साहब खोल दिए ना, अब ये खुद पे खुद जो है सब चर करके सब वापस ऑटोमेटिक आ जाती है ना। और कितने लोग भाई जो है जंगल में चराने के लिए भी जाते हैं? चराने नहीं जाते। आप चराने नहीं जाते हैं? अच्छा बस इसकी जो है ऐसी देखभाल बस करती रहती, कोई पकड़े उकड़े नहीं। हाँ वही कुत्ता उत्ता की डर होती है। तो भैया जो है कि यहाँ पर चल रहे हैं ना, अब मेरे चप्पल में मुझे लगता है कि 2-3 घुस गया कांटा। ये देखो अब इसको है ना, इसलिए नए आदमी को चुभते हैं। हाँ ये तो बात है। अब मैं पुराने थे ना, ये नए थे ना। हाँ
बेचता था। अच्छा अच्छा, अब भैया मैं उधर जाके बैठूंगा आराम से, फिर वहाँ पे इसको जो है बैठ करके निकालूंगा। ठीक है मेरे भाई, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो भाई बिहार से पूर्णिया से देख रहे हैं ना, तो भाई के लिए कमेंट जरूर करिएगा। अगर मेरे भाई अगर कीजिएगा, दुआ भी कीजिएगा कि भाई जो है सही सलामत रहे, और इनका कफिल इनकी सैलरी भी बढ़ाए, और जो भाई यहाँ पर आना चाहते हैं इस काम में तो कमेंट करके बताइएगा। तो ये भाई साहब के पास वीजा उजा होगा, हाँ, तो इंशाल्लाह जरूर बताएंगे, है कि नहीं भाई? हाँ, और जो पूर्णिया से जो बिहार से देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस अच्छे से रहे, अगर आना चाहे तो फिर आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे दलालों के चक्कर में मत पड़िए। ये बात एकदम आपने परफेक्ट बोली कि दलाल के चक्कर में कभी भी ना पड़िए मेरे भाई। कोई जान पहचान का आदमी वीजा भेज रहा है तो उसके थ्रू आइए, या फिर जो है कि ऑफिस पे डायरेक्ट जाइए, लेकिन दलाल के चक्कर में ना पड़िए, मेन ऑफिस पे जाइए, तो वहां से आपका काम अच्छा होगा, सही होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, फिर किसी और वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।